गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको वंशागति का गुणसूत्री आधार एवं मानव अनुवंशिक, जिसमें हमने वंशागति में होने वाले लक्षणों को आपको बताया था तथा पिछली क्लास में हमने आपको बताया था सहलग्नता, जिसे लिंकेज कहते हैं, कि किस प्रकार से सहलग्नता होती है तथा उसके बाद में हमने आपको बताया था जीन विनिमय, यानी कि जीन जो मनुष्यों में पाए जाते हैं उनका विनिमय किस प्रकार से होता है। तो उसके आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव अनुवांशिकी, यानी कि ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है? तो यानी कि विशेषज्ञों ने ये बताया कि मानव में जो वंशागत लक्षण होते हैं उनका जब अध्ययन किया तो उनका अध्ययन उन्होंने बताया कि हम इसका अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत कर सकते हैं। जो पैतृक गुण माँ बाप से बच्चों में प्राप्त होते हैं वही अनुवांशिकी गुण कहलाते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे सभी स्टूडेंट्स मानव अनुवांशिकी, फिर लिखेंगे मानव में वंशागत होने वाले लक्षणों, मानव में वंशागत होने वाले लक्षणों का अध्ययन, मानव में वंशागत होने वाले लक्षणों का अध्ययन जेनेटिक्स यानी कि मानव अनुवांशिकी में करते हैं। फ्रांसिसी गॉल्टन ने 1883 में, यानी कि 1883 में, फ्रांसिस गॉल्टन ने 1883 में मानव अनुवांशिकी की नींव डाली थी। मानव अनुवांशिकी की नींव डाली थी, इसी कारण फ्रांसिस गॉल्टन को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। लिखेंगे अगली लाइन से, मानव अनुवांशिकी के अध्ययन से पूर्व मानव गुणसूत्र प्रारूप एवं मानव में लिंग निर्धारण का अध्ययन अति आवश्यक है। हेडिंग डालेंगे मानव का गुणसूत्र प्रारूप। तो मानव के गुणसूत्र प्रारूप में क्या है समझेंगे, कि यानी कि कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, उनकी आकृति, उनकी संरचना, उनका विन्यास, उनके लक्षण, ये जो सभी हमें दर्शाते हैं यही इनकी क्या होती है, गुणसूत्र प्रारूप होता है। तो सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे ये हेडिंग डाल के कि कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, आकृति, माप, संरचना और विन्यास जातीय लक्षण होते हैं। सभी सदस्यों के सभी कोशिकाओं में समान गुणसूत्रों का समुच्चय होता है।
समान गुणसूत्रों का समुच्चय होता है। यानी कि अगर मनुष्य है तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वह मनुष्य में सभी जितने मनुष्य हैं सभी में 23 जोड़ी ही गुणसूत्र पाए जाएंगे, किसी में कोई भी अंतर नहीं होगा। तो सभी स्टूडेंट लिख के थोड़ा सा लिख लें कि कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, आकृति, माप, संरचना और विन्यास लक्षण होते हैं। जीवों के सभी शरीर कोशिकाओं में समान गुणसूत्रों का समुच्चय होता है। इसीलिए इसे गुणसूत्र प्रारूप कहते हैं। मनुष्य की कोशिकाओं में 23 जोड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे 46 मनुष्य की कोशिकाओं में 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र महिलाओं 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र महिलाओं और पुरुषों में समान होते हैं। तथा अपने जोड़ीदार के समान तथा अपने जोड़ीदार के समरूप होते हैं। देखिए हमने आपको 23 बताए, 23 से 22 यानी कि सेम होते हैं स्त्री में और सेम होते हैं पुरुष में। सिर्फ पुरुष में क्या होते हैं, XY होते हैं और स्त्री में XX होते हैं। तो यही एक गुणसूत्र इससे निकल कर इसमें आता है तो ये बन जाते हैं 23। इसी से एक गुणसूत्र इसमें निकल के आता है तो ये बन जाते हैं 23। तो स्त्री और पुरुष में कितने कितने हो जाते हैं, 23। तो आपने लिखा जोड़ीदार समरूप होते हैं, इन्हें दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। तेईसवां गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र का होता है। जो कि स्त्रियों तथा पुरुषों में समान नहीं होते, जैसा कि हमने आपको बताया 22 समान होते हैं क्योंकि 8 अंकों की संख्या है, तो 23वां समान नहीं होता है। तो जो कि स्त्री तथा पुरुष में समान नहीं होते इसीलिए इन्हें हेटरोसोम कहते हैं, इसीलिए इन्हें हेटरोसोम्स या एलोसोम्स कहते हैं। एलोसोम्स कहते हैं। तो ये थे आपके क्या थी, मानव का गुणसूत्र प्रारूप की संरचना। अब हेडिंग आपकी है मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। देखिए ये जो लिंग गुणसूत्र हैं यानी कि जो संतानों को प्राप्त होते हैं ये पैतृक होते हैं जो कि माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो लिखें हेडिंग डालने के बाद लिखें माता पिता से संतानों को जो लिंग गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, माता पिता से संतानों को जो लिंग गुणसूत्र प्राप्त होते हैं उसका निर्धारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में
निम्नलिखित प्रक्रम से होता है, निम्नलिखित प्रक्रम से होता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पुरुषों एवं स्त्रियों में, पुरुषों एवं स्त्रियों में लैंगिक जनन के दौरान, पुरुषों एवं स्त्रियों में लैंगिक जनन के दौरान युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, दौरान युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, स्त्रियों के जनद यानी कि स्त्रियों के जो जननांग से जो निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्त्रियों के जनद अंडाशय होते हैं, स्त्रियों के जनद अंडाशय होते हैं, जिसके फलस्वरूप बनी युग्मक कोशिकाएं, जिसके फलस्वरूप बनी युग्मक कोशिकाएं अंडाणु कहलाती हैं। अंडाणु कहलाती हैं। अंडाणुओं में लिंग गुणसूत्रों की समानता समान होती है। अंडाणुओं में लिंग गुणसूत्रों की समानता समान होती है, इसीलिए इसे समयुग्मकी कहते हैं। तो ये था आपका क्या, स्त्रियों में। अब आप लिखेंगे पुरुषों में, यानी कि अगले पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पुरुषों में जनद वृषण होते हैं, पुरुषों में जनद वृषण होते हैं तथा इनमें होने वाले युग्मक जनन को शुक्रजनन कहते हैं। इसके फलस्वरूप बनी युग्मक कोशिकाएं शुक्राणु कहलाती हैं। ये शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। तो लिखेंगे शुक्राणुओं में गुणसूत्र की विभिन्नता के कारण पुरुष विषम युग्मकी कहलाता है, पुरुष विषम युग्मकी कहलाता है, विषम युग्मकी कहलाता है। तो इसी प्रकार से जब रिप्रोडक्शन क्रिया होती है तो जब जायगोट से दूसरे में मिलते हैं, जब युग्मक जनन होता है, जब शुक्राणु अंडाशय से मिलते हैं, तो जब 22 प्लस एक्स मिलता है तो मादा शिशु का निर्माण होता है तथा तो 22 हेटरोसोम्स तथा वाई मिलते हैं तो नर शिशु का जन्म होता है। तो ये थे आपके मानव में लिंग निर्धारण, इस प्रकार से मानव में ये लिंग निर्धारण हुआ। तो मानव में लिंग निर्धारण को हम आपको एक डायग्राम विधि से भी बता दे रहे हैं, उसे आप समझ लें। देखिए यहाँ पर जैसे ये पुरुष है और इसके पास जब बॉडी कोर, ये बॉडी कोर हेटरोसोम है जो दोनों में समान है।
मादा है यानी स्त्री है और इसके बाद भी मोटी बोर है जो कि समान है। इसके पास प्लस एक्स वाई है और इसके पास प्लस एक्स एक्स है, दोनों की हम ये समान है और ये असमान है। इसने अपने सूत्रों को अलग किया, इसके पास एक्स यहाँ आया और वाई यहाँ आया, इसके पास एक्स यहाँ आया और एक्स यहाँ आया। जब दोनों ने यानी कि ये 22 हो गए और ये भी 22 हो गए, तो जब एक्स एक्स वाई वाई हो गए, जब दोनों का क्या किया गया, रिप्रोडक्शन किया गया, तो ये क्या है आपके सूत्राणु है, तो दोनों में जब रिप्रोडक्शन हुआ निर्धारण। इसके बाद जो कल का हमारा टॉपिक होगा वो होगा उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशंस।